नमस्कार, लवली अर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली अर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह है चिराग पासवान की तरफ से, जहां पे चिराग पासवान ने यह कहा कि मोकामा चुनाव के लेकर के और गोपालगंज के चुनाव के लेकर के, मोकामा चुनाव के बारे में उनका यह कहना था कि मोकामा चुनाव में नीतीश का कोई दबदबा नहीं था, वहां पे अनंत सिंह का दबदबा था। अनंत सिंह पहले भी जीते थे और इस बार भी जीते हैं, लेकिन गोपालगंज में हमने बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया, बीजेपी के साथ हमने मिला, बीजेपी का प्रचार किया, इनके कारण वहां पे बीजेपी जीती है, वहां पे बीजेपी की जीत हासिल हुई। बाकी देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में चिराग पासवान ने खुद क्या कहा। अभी तो अनंत सिंह जी को इतना ही वोट आया था, नीतीश कुमार जी का वोट गया कहां, बताए ना नीतीश कुमार जी। पिछली बार जब मोकामा में ये लड़े थे 2020 में, तो उस वक्त इनको और भाजपा को मिला के 40,000 के करीब वोट आया था। तो भाई वो 40,000 वोट तो प्लस होना, चलिए मान लीजिए उसमें भाजपा का भी वोट था, 20,000 वोट प्लस होता इनका। पर पिछली बार 2020 में 78,000 वोट आया, इस बार 79,000 वोट आया, मात्र 1,000 वोट से ज़्यादा भी इनका वोट नहीं बढ़ा। तो भाई गया कहाँ नीतीश कुमार जी का वोट। तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कोई फैक्टर रहे नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं और ये दोनों जगह चुनाव में दिखा। भाई महागठबंधन की ये जीत नहीं है, ये मोकामा वाली, ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अनंत सिंह जी की अपनी जीत है। उनका एक अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है, भैया वो अकेले भी लड़ लड़ के जीतते रहे वहाँ से, तो उनका एक अपना प्रभाव रहा है। जहाँ पे इनको प्रभाव दिखाना गोपालगंज में, वहाँ पे इनकी हार हुई है। कुर्मी में भी उपचुनाव